विराट कोहली के साथ रिश्ते पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बयान से मचाई सनसनी। हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर ने विराट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया ऐसा, सब देखते रह गए। हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव क्यों बन गए T20 के कप्तान, गंभीर अगरकर ने दे दिया ऐसा जवाब। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से 30 जुलाई तक T20 सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद 3 वनडे मैच होंगे जो 2 अगस्त से शुरू होकर 7 अगस्त तक कोलंबो में खेले जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ इस T20 सीरीज में नए T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव और नए हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के अतीत में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे। हालांकि अब टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर ने अपने एक बयान से सनसनी मचा दी। गौतम गंभीर ने विराट कोहली के साथ अपने रिश्तों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विराट कोहली के साथ मेरा रिश्ता हम दोनों के बीच का है, TRP के लिए नहीं। विराट कोहली के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, मुझे लगता है कि ये 2 परिपक्व व्यक्तियों के बीच का रिश्ता है। मैदान पर हर किसी को अपनी जर्सी के लिए लड़ने और जीतने वाले ड्रेसिंग रूम में वापस आने का अधिकार है, लेकिन फिलहाल हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम एक ही राह पर खड़े हैं और भारत को गौरवान्वित करने की कोशिश करेंगे। विराट कोहली के साथ मैदान के बाहर मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है और मैं इसे जारी रखूंगा, लेकिन हाँ, इसे और अधिक सार्वजनिक करने के लिए किस तरह का रिश्ता है, मुझे लगता है कि ये 2 व्यक्तियों के बीच का रिश्ता है। हेड कोच के पद पर मेरे अपॉइंटमेंट के बाद मैंने और विराट कोहली ने मैसेज के जरिए काफी बातचीत की। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं, एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं। हम दोनों अपने टीम इंडिया के लिए मैच जीतने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आपको बता दें, पिछले दिनों सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। इस टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या भारत के उपकप्तान थे। इससे पहले रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके थे। लिहाजा ऐसा माना जा रहा था कि रोहित शर्मा के संन्यास के बाद हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने सूर्य कुमार यादव पर भरोसा जताया। अजीत अगरकर ने कहा कि सूर्य कुमार यादव कप्तान के हकदार हैं, वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार हैं, लेकिन साथ ही हार्दिक पांड्या हमारे लिए अहम खिलाड़ी हैं। हम चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या हमारे लिए अहम खिलाड़ी का किरदार अदा करें, लेकिन हम इस बात से वाकिफ हैं कि फिटनेस बड़ा फैक्टर है। हार्दिक पांड्या फिटनेस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी नजर उन खिलाड़ियों पर है जो तकरीबन हर वक्त उपलब्ध रहे। श्रीलंका के दौरे पर जाने से पहले टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर ने आज मीडिया से बात करते हुए कई सवालों के जवाब दिए हैं और अपनी आगामी योजनाओं पर भी खुलकर बातचीत की। मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने हर तीखे सवाल के जवाब दिए हैं। तो आप भी गौतम गंभीर के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, साथ इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।